हेलो जी, सत श्री अकाल दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आप सब का स्वागत है साढ़े चैनल पंजाबी इन फिनलैंड दे विच। मैं अरदास करती हाँ कि परमेश्वर तुहानू सारयां नू संभाल के रखे, जिथे भी तुसी देशां विदेशां दे विच हैगे हो, तुहानू सेहत तंदुरुस्ती बख्शे, तुहाडियां कमाइयां विच बरकत पावे। ते अज दे दिन विच स्वागत करते हाँ ते उस मालिक का शुक्र करते हाँ कि जिन्हें सानू अज दा दिन दिता, अज दे साह बख्शे ने। ते दोस्तों, मैं उठी हाँ, उठ के पहला तो मैं सब तो शावर लैके आया, क्योंकि मेरा अज फिजियोथेरेपी कोल टाइम। तो जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो गई हाँ, तो हूँ आप पीने हाँ चाह। चाह आप पीवे यहोजे कौले च, क्योंकि ठंडी हो जाती है। तो तुम भी पियो, तो आओ मेरे नाल इंजॉय करो, तो फिर मैं थोड़ी देर तक चली जाना। जे हो सकया तो मैं उत्थे भी तुहाडे नाल जरूर गलबात करांगी, जे मेरे को टाइम होया तो दिखावांगी तुहानू मैं, क्योंकि मेरा मोढ़ा बहुत दर्द करता है, तो मैनू जाना पैंदा हफ्ते दो हफ्ते बाद। तो चाह नाल आपां लवांगे ब्रैड वाले पकौड़िया का नज़ारा, क्योंकि रात मैं बनाए सी। टेस्टी आ, क्योंकि उत्थे मैनू टाइम लग जाना, घंटे का मेरा टाइम बुक किया हुआ है। वेख साहब ने काम ते मैनू आ छुट्टी आ, वीक पूरा वीक ही मेरे होलीडे ने। संडे मैं जावांगी काम ते, संडे तो बाद फिर मैनू 4 दिन ऑफ है, क्योंकि काफ़ी डबल काम किया, तो हम मैं उन्होंने तो छुट्टियां मंगिया ने, मैं थोड़ी रेस्ट चाहिए है। तो मौसम हैगा जी बाहर, साढ़े अज धुप निकली है, 22 टेंपरेचर मैं देखे अज का, यानी कि गर्म ही होएगा। इतों 3 किलोमीटर दूर है जिथे मैं चली हाँ फिजियोथेरेपी डॉक्टर को। ओके दोस्तों, अपना रखियो ख्याल, आप फिर मिलते हैं तुम। हाँ जी, आप पहुँच गए अपनी मंजिल पर, जो कि मैं तुम्हें दसिया कि मेरा अज फिजियोथेरेपी को टाइम है। तो हूँ आप चले हाँ अंदर, टाइम हो गए ने 9:40, तो मेरा टाइम है 10 बजे, क्योंकि उत 15 मिनट पहला जाके दसना पैंदा भी असीं भाई पहुँच गए हैं। तो अजे आ स्टोर अजे बंद है, ये शायद 10 बजे खुलेगा, तो इधर स्टोर खुलिया होया, मतलब कि यह हैगी सिटी मार्केट जिदे अंदर काफ़ी स्टोर ने। तो इत्थे ही है दोस्तों मेरा टाइम, इत्थे ही है मेरा टाइम। तकरीबन ही अजे स्टोर बंद है, अभी स्टोर अजे बंद है, खुलिया नहीं है। सिटी मार्केट खुली है, सिटी मार्केट खुली है, पर अजे कोई कोई आया, क्योंकि अजे अर्ली इन दी मॉर्निंग है, कई कम्मा कारां ते होने ने। इत्थे है जी अपना टाइम, तुसी देख सकते हो, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट काफ़ी महंगा है। इत्थे अपना टाइम, इधर का भी तुहानू व्यू दिखानी है स्टोर का। जे मेरे को टाइम होया तो मैं स्टोर भी जाऊँ, अजे स्टोर च भी शांति पई है, अजे स्टोर विच भी शांति पई है।
वक्ती दोस्तों मैं हूँ चली हूँ अंदर, पापा हूँ चले अंदर, तो आया जी अंदर का दृश्य। हूँ मैं करती हूँ अपनी वीडियो इतें ही बंद। ओके जी, हाँ जी दोस्तों आप आ गए हूँ स्टोर दे विच, दिखाने तुहानू स्टोर दे अंदर का दृश्य। आया जी मेकअप का समान सारा, इधर भी आ ने परफ्यूम, परफ्यूम के रेट लगे आ महंगे सस्ते सारे ही ने, जड़े मर्जी लवो। इधर आ गया दोस्तों ऐनक, इधर भी सारा समान है जो मर्जी खरीदो। इधर आ गए शैम्पू, हर तरह का शैम्पू है इत्थे, जड़े मर्जी लाओ तुसी। इधर आ गए ब्रश वगैरह पेस्ट, इधर आ गए तुसी वाल डाई करने ने, किड़े कलर तुसी लेने ने, रेट है इन्हों दे। लाओ जी तुसी जो मर्जी खरीदो, बहुत बड़ा स्टोर है। इधर आ गई अगे जुत्तियां, जुत्तियां थानू दिखाने हैं, ये उदा सी 270 ओरो दी ते हुण हाफ रेट ते आ 35 ओरो दी, ये हाफ रेट ते हैगी आ 50 ओरो दी। काफी महंगियां ने, इधर हुण हौली हौली सियाल वाले शू भी लियाने शुरू कर दित्ते आ। इधर आ गए बच्चों के स्कूल के बैग, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल लगना है। इधर ने जी आह लेडीज पर्स, बहुत ही प्यारे ने, आगे छोटे पर्स। हाँ दोस्तों मैं रस्ते तो वापस आ रही थी फिजियोथेरेपी से, तो मैं क्या भी ये दृश्य तुहानू जरूर दिखाया जाए, क्योंकि मैनू तो बहुत प्यारा लग्या, मैनू तो यह बहुत प्यारा लग्या दृश्य, तुहाडे नाल भी शेयर किया जाए। ओ परे दूर दरख्तों के पिछे कणक बीजी है, पता नहीं तुहानू नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, तो इत्थे कणक बिना पानी तो हुंदी है, तुहानू दस्सिया सी पहलां भी। मैं कोशिश करदी हां जे मैं नेड़े जाके तुहानू कणक दिखा सकी, तुहानू जरूर दिखावांगी। कणक नूं पानी देण दी कोई लोड़ नहीं,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਲਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਲਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੀਜਦੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣਗੇ